हेलो एवरीवन, आज ये देखेंगे बेडरूम का डिज़ाइन। जैसा कि आप सामने देख रहे हो, यहाँ पे सामने की साइड में पूरा बेडरूम का डोर आ जाता है। पूरा वीनियर में फिनिशिंग दिया गया है, मोनाकोट के साथ में टिक वाला वीनियर लिया गया है। और यहाँ पे सीएनसी वर्क आ जाता है, पूरा वार्डरोब के ऊपर किया गया है पैनल वगैरह लगा के, और शटर भी इसमें ऐड किए गए हैं। और यहाँ पर दीवार पर पलंग के सामने आ जाता है, थोड़ा डेकोरेटिव आइटम आ जाता है। कॉपर के साथ में प्लेटें लगाई गई है, पूरा सेटअप है। यदि बनवाना रहता है तो आप बाहर से बनवा सकते हो। और ये है पूरा बेडरूम के ऊपर की साइड में, यहाँ पे सीलिंग दी गई है और एक लाइट के लिए यहाँ पे डिज़ाइन बनाई गई है सीएनसी वर्क में। और ऊपर की साइड में सेम दो लाइटें लगाई गई है, एक जस्ट पलंग के सामने और एक यहाँ पर एंट्री के बाजू में लगाया गया है। और यहाँ पर डबल बेड बनाया गया है, 6x6.5 फुट का यहाँ पे डबल बेड है, किंग साइज़ में लगाया गया है। और पीछे की साइड में यहाँ पे एक गादी के लिए स्पेस छोड़ा गया है। और पूरा विनियर में फिनिशिंग दिया गया है। और यहाँ पे है कपबोर्ड आ जाता है, कपबोर्ड है जैसे दो पार्ट में बनाया गया है। और स्लाइडिंग वाला यहाँ पे शटर दिया गया है। दोस्तों यदि आपको इस प्रकार से यदि लंबा स्लाइडिंग वाला लेना रहता है तो आप लंबा भी ले सकते हो, ताकि शटर वगैरह में कोई दिक्कत नहीं रहती है। यदि आप छोटा सा वार्डरोब बना लेते हो और उसमें शटर भी 18-18, 20-20 इंच के लगवा लेते हो, तो काफ़ी बार ये शटर वर्क नहीं करते हैं और डिस्टर्ब हो जाता है पूरा कबाट भी। और यहाँ पे देख रहे हो पूरा अंदर की साइड में यहाँ पे शेलव दिए गए हैं फोल्डिंग्स क्लोथ्स के लिए। और वार्डरोब के जो शटर बनाए गए हैं पूरा टिकूड में बनाए गए हैं, पट्टियाँ देखे यहाँ पे पूरा। और नीचे के साइड में यहाँ पे पाए दिए गए क्रॉस वाले। ये जो वॉलड्रोप है इसमें साथ में ही ड्रेसिंग का भी अटैचमेंट किया गया है, और वॉलड्रोप भी साथ में दिया गया है। आप देख सकते हो यदि बनाना रहता है तो आप इस हिसाब से। यहाँ पे टीवी के लिए कंसोल बनाया गया है, और ये भी पूरा टिक वाला वीनियर लगाया गया है। यहाँ ब्लैक वाला यहाँ पर प्रोफाइल शटर दिया गया है रिमोट वगैरह एक्सेस के लिए, और दो कॉपर के यहाँ पर लेग दिया गया है। दोस्तों यदि आपको बनाना रहता है तो आप इस हिसाब से यहाँ पे देख सकते हो। और सामने की साइड में यहाँ पे MDF में पैनलें दिए गए डिज़ाइन में, और ऊपर की साइड में यहाँ पे सीलिंग वगैरह आ जाती है। इसमें है बाथरूम का भी डिज़ाइन देखने वाले। ये जो बेडरूम है अटैच बाथरूम के साथ में यहाँ पर बनाया गया है। और यहाँ पर वार्डरोब आ गया, और सामने की साइड में यहाँ पर ड्रेसिंग आ जाता है, और ये खांचे में यहाँ पर बाथरूम का एरिया आ जाता है। और आप देखो बाथरूम में नीचे की साइड में टाइलें दी गई हैं फ्लोर में, और यहाँ पे वॉश बेसिन आ जाता है, और यहाँ पे टॉयलेट सीट और शावर के लिए दो ग्लास दिए गए हैं, एक ड्राई एरिया और एक शावर के लिए स्पेस दिया गया। इस प्रकार से बाथरूम और बेडरूम का इंटीरियर तैयार किया गया है। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।